नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति के त्यौहार के विषय में। इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहते हैं? कौन सी परिस्थिति में यह 14 जनवरी को न होके 15 जनवरी को होती है? इसे क्यों मनाया जाता है और भारत में किस तरीकों से मनाया जाता है, और इन परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये हम जानेंगे। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में मकर संक्रांति सूर्य देव के संबंधित है। वैदिक संस्कृति में वैदिक परंपराओं के लिए समय निर्धारित करने के लिए सूर्य, चंद्र और ग्रहों की स्थिति का अनुसरण होता है और उस पर आधारित कैलेंडर की रचना होती है। चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार संक्रांति का अर्थ है सूर्य का पृथ्वी के सापेक्ष एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश या संक्रमण। वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करता है तब उसे मकर संक्रांति कहते हैं। राशि एक तारा समूह है। वर्ष के भिन्न भिन्न समय में सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष इन तारा समूह से गुजरता दिखाई पड़ता है। अन्य सभी राशियों के संक्रमण की घटना विविध खगोलीय गतिविधि के अभ्यास में महत्व रखता है, किंतु मकर संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि इस समय सूर्य की पृथ्वी के सापेक्ष चाल दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की तरफ शुरू होती है। यही कारण है इसे उत्तरायण कहते हैं, अर्थात उत्तरायण में प्रस्थान। सूर्य की मकर राशि में संक्रांति और उत्तरायण की शुरुआत साथ ही देखने को मिलती है, किंतु दोनों गतिविधि भिन्न हैं। कौशित की ब्राह्मण के वैदिक शास्त्र के अध्याय 19 में सूर्य के पृथ्वी के सापेक्ष स्थान में होते बदलाव का वर्णन मिलता है, जिसमें सूर्य की उत्तरी आयन और दक्षिणी आयन की गति की जानकारी मिलती है। हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर में पाए जाने वाली पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की यह गतिविधि अंग्रेजी सौर कैलेंडर के 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को देखने को मिलती है। दरअसल यह संक्रांति निर्धारित करने की दो पद्धतियाँ हैं। एक है निर्याण पद्धति जो उष्णकटिबंधीय है, दूसरी है शयान पद्धति जो कि नक्षत्रीय है। निर्याण पद्धति के अनुसार यह जनवरी के 14 को होती है, कभी कभी वह 15 जनवरी को भी निर्धारित होती है। चलिए जानते हैं किन परिस्थितियों में मकर संक्रांति 15 जनवरी को निर्धारित होती है। सौर कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के वही स्थान पर आने की घटना हर साल 20 मिनट देर से होती है, अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य को वही स्थान पर आने के लिए 72 वर्षों में एक दिन ज़्यादा लगता है। इसी कारण से सूर्य की मकर संक्रांति 15 जनवरी को होती है। वर्ष 2020 में यह घटना देखने को मिली। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य की संक्रांति रात के समय में होती है तब अगला दिन संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में सूर्य संक्रांति 14 जनवरी की रात्रि में हुआ, इसीलिए 15 को मकर संक्रांति मनाई गई। मकर संक्रांति दिन के समय में बढ़ोतरी का निर्देश करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह संक्रांति ज़्यादातर माघ महीने में या माक्षर महीने में होती है, इसीलिए कुछ जगहों पे इसे माघी संक्रांति भी कहते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में इसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में संक्रांति के एक दिन पूर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें अग्नि की पूजा और तिल गुड़, चावल और मकाई की आहुति दी जाती है और तिल गुड़ मूंगफली से बनी चीज़ें बढ़ती हैं। कुछ राज्यों में मेले लगते हैं। बिहार में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है, जिसमें चावल, तिल, वस्त्र आदि दान करने का महत्व है। महाराष्ट्र में और बंगाल में तिल दान की प्रथा है। असम में माघ बिहू के नाम से मनाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में 4 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण से प्रचलित है, जिसमें पतंग उड़ाने और तिल गुड़ की बनी चीज़ें बांटने की परंपरा है। मकर संक्रांति में ज़्यादातर जगहों पर तिल और गुड़ के सेवन की परंपरा है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ वातनाशक होते हैं, अर्थात वायुनाशक होते हैं। ऋतु के बदलाव के अनुसार इन दिनों में शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ता है, जो कि तिल गुड़ के सेवन से कम होता है। इसके अलावा भी यह दोनों पदार्थ शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। शरीर की इम्यूनिटी से लेकर शुद्धिकरण तक सभी गुण इनमें हैं।
गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है जिसके पीछे ये विज्ञान है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रस्थान होने के कारण सूर्य की इन दिनों की गर्मी सहनशील होती है और पतंग उड़ाने की परंपरा के कारण सभी लोग अपने घरों की छतों पे या तो खुले मैदान में रहते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर मात्रा में सूर्य प्रकाश शरीर पर पड़ता है, जो कि विटामिन डी के लिए शरीर को बहुत लाभकारी होता है। इस तरह मकर संक्रांति का महत्व इन परंपराओं में हमें जानने को मिलता है। जानते हैं इसका पौराणिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का दक्षिणायन देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक है तथा उत्तरायन देवताओं के दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। कर्क और मकर राशि में संक्रमण धार्मिक दृष्टि से फलदायक बताया है। मकर राशि में संक्रांति सूर्य का अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर माना जाता है, जिससे प्राणियों में चेतना और कार्यशक्ति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि हिंदू कैलेंडर, जिसमें कि चंद्र की कला के आधारित सभी त्यौहार होते हुए भी मकर संक्रांति का यह त्यौहार सूर्य की स्थिति के अनुसार मनाया जाता है, इसीलिए यह 14 या 15 जनवरी को निश्चित देखने को मिलता है। दोस्तों, यह थी कुछ रसप्रद जानकारी मकर संक्रांति के विषय में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।